an assistant professor at the Maritime Academy for 2 years. मैं हूँ आपका सलाहकार हिंदी में. इस समय हम खड़े हैं फॉक्सल डेक पर, फोरकासल. फोरकासल सबसे पहली चीज जो आपको नजर आती है वो होती है मूरिंग विंचेस और विंडलास. इस शिप पे मूरिंग विंच और विंडलास एक ही यूनिट पे है. तो ये आपको दिख रहा है, ये है मूरिंग विंच. ये मूरिंग विंच का जो पार्ट है इसे कहते हैं मेन ड्रम या रोप ड्रम. ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं स्प्लिट ड्रम. इसी के साथ आपको ये चेन नजर आ रही है, ये है एंकर केबल. ये है एंकर केबल और ये जो चेन जो इस ड्रम पर लगी हुई है इसे कहते हैं जिप्सी. ये ब्रेक है, ब्रेक लगाएंगे ये जो जिप्सी है ये घूमेगी. इसी तरह से पूरी मूच के लिए ब्रेक है, ब्रेक लगाएंगे लेकिन ये रोल नहीं होगा. अब इन्हें ऑपरेट कैसे करते हैं, ये अगर इस बॉक्स को आप देखते हैं पास से आपको नजर आ रहे हैं दो लीवर्स हैं इसमें, एक विंडलास के लिए, एक पोर्ट साइड विंच के लिए है और एक स्टारबोर्ड साइड विंच के लिए. इसे आगे करेंगे तो ड्रम ऐसे घूमेगा, मतलब रस्सी या एंकर आपका नीचे हो जाएगा. इसे पीछे करेंगे तो रोप रस्सी या आपका एंकर ऊपर को आएगा. सिंपल. अब आप देख रहे हैं हमारे शिप पे दो एंकर हैं, पोर्ट और स्टारबोर्ड. अब इन्हें आगे से देखें, साथ साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये आपको दिख रहा है फायर बॉक्स, इसके अंदर फायर होस है. ये फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट से फायर होस कनेक्ट होती है. ये हमारी मूरिंग रोप्स, ये स्काईलाइट है. किस चीज की स्काईलाइट? इस डेक के नीचे स्टोर है जिसे कहते हैं बोसन स्टोर या फोर पीक स्टोर, उसके लिए स्काईलाइट है. यदि कोई बड़ी आइटम इसके नीचे अंदर डालनी है या इसके अंदर से निकालनी है तो इसका प्रयोग करें. ये है पिट्स. पिट्स किस काम आते हैं? मूरिंग रोप्स को बांधने के लिए. फिगर ऑफ एट में हम इसे बांधते हैं. ये है डेड मैन या ओल्ड मैन. ये किस लिए काम आता है? जो ऊपर वाला पार्ट देखते हैं ये रोल होता है. इसका काम क्या है? इसका काम है मूरिंग रोप को लीड देना. लीड क्या होता है ये आप देख रहे हैं कैसे यहाँ लगकर ऐसे मुड़ रही है. इस मुड़ने को लीड कहते हैं. ये जो आपको काले काले फोर्स नजर आ रहे हैं इन्हें कहते हैं फेल लीड. ये देखिए विंडलेस सामने, ये आपकी एंकर चेन, ये बाउ स्टॉप ऑल्सो नोन एज चेन स्टॉप, ये स्क्वायरलिंग पाइप. ये वेंटिलेटर है, कौन सा? मशरूम वेंटिलेटर. क्या ये मैकेनिकल है या नेचुरल है? मैकेनिकल का मतलब होता है इसमें कोई फैन लगा हुआ जो पावर से रन करता है. इसमें कोई फैन नहीं है, ये मैकेनिकल है. ये स्काईलाइट है, फिर से पसंद स्टोर के लिए ओल्ड मैन या डेड मैन दोबारा से. ये आप देख रहे हैं ये है सेंटर फेयर, सेंटर लाइन फेयर. अगर ये सेंटर लाइन फेयर लीड पनामा के डायमेंशन सेटिस्फाई करता है तो इसे कहते हैं पनामा फेयर. अगर आप इधर से देखते हैं तो ये है फॉरवर्ड मास्ट, फॉरवर्ड मास्ट. फॉरवर्ड मास्ट के अंदर हमेशा स्टोर होता है, कोई ना कोई स्टोर होता है. इसमें बाकी सामान भी होता है
और मैनुअल कॉल पॉइंट, फायर का मैनुअल कॉल पॉइंट, लाइफ जैकेट, ईवी, ये सब सामान होता है। ये आपको नजर आ रहा है, हम अभी इससे पहले एंकर देखे, इसलिए ये बॉल है, क्योंकि हम एंकर के टाइम पे फॉरवर्ड में ब्लैक बॉल होइस्ट करते हैं। ये देखिए ये कैसी नजर आती है, कैसी नजर आती है, ये था आज का विषय। यदि आप टी सीट कर रहे हैं तो फॉक्सल टैंक का डायग्राम एक बहुत ही अहम प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। इसी प्रकार से आप अगर चाहें, आप चाहते हैं कि मैं किसी और विषय पे वीडियो बनाऊं, या आपकी कुछ शंकाएं हैं या और चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं इसके लिए, कॉमेंट करके मुझे बताइए।